से गुड़िया चीन से जापानी। मुझे अंदर होने में कितने दिन लगे? लाखों हंसी है मुझे तुमको पसंद हो। मुझे जरा सोच लेने दीजिए कि मेरी आंखों पर जो बिजली गिरी है कैमरे की है या आपके हुस्न की। मेरी महबूब हसीना, मेरी चाहत है जीना। इजाजत की मेरे कमरे में क्यों चले आए? इसलिए कि आपसे इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं थी। बाहर निकल जाइए। कभी तो ले लो जय दिल हमारा हुजूर वाला। मगर आप इस मुहिम में हम दोनों पार्टनर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं वहीद माज साहब की जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ उस फिल्म का नाम है खामोश निगाहें। नाज़रीन, ये फिल्म आई थी 6 जून 1971 को और इस फिल्म ने सिलो जो भी का एजाज हासिल किया था। हाफ फिल्म जो थी वो ये जापान में शूट हुई थी। नाज़रीन, खामोश निगाहें फिल्म के डायरेक्टर थे जमील अख्तर साहब और इसके जो मौसीकार थे एम अशरफ साहब थे। नाज़रीन, इस फिल्म के जो अदाकार थे वो रुजीना वहीदमुराद, हुसना और एक और लड़का था, वो टीवी एक्टर था और टीवी पे हम देखा करते थे, वो उसमें रुजीना का भाई बना होता है। और मनोवजीन साहब थे और उनके एक गाना भी था इसमें बहुत खूबसूरत, जापान के सीन बहुत अच्छे थे, इसके जो गाने बहुत अच्छे थे। इसमें जो वही माँ साहब थे बहुत यंग थे, हालांकि इनके साथ जो हीरोइन थी रुजीना वो कुछ बड़ी बड़ी लगती थी, आंटी आंटी सी लगती थी। वही माँ साहब बहुत यंग लड़के से लगते थे और जो रुजीना इनके साथ फिट नहीं थी। जैसे आसिया साहबा इनके साथ, रानी साहबा बहुत अच्छी लगती थी, शमन साहबा, जेबा साहबा, तो इस तरह ये रुजीना थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती थी। जैसे नदीम साहब के साथ तो शर्मन लगती थी बड़ी बड़ी। बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये। और नाज़रीन, ये फिल्म शुरू होती है कि वही माँ साहब जो होते हैं इनका नाम खालिद होता है, ये लड़कियों में मकबूल होते हैं लेकिन माशरे में सब इसको कहते हैं कि ये फ्लर्ट करता है लड़कियों के साथ, कभी एक के पीछे कभी दूसरी के पीछे, और ये बड़ा बदनाम होता है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा होता है, सरमाएदार होते हैं, इनका एक ऑफिस होता है, उसके ऑफिस में रुजीना के जो भाई होते हैं वो काम करते हैं। और रुजीना भी एक जगह पे ये रिपोर्टर होती है अखबार की, ये अपने भाई को कहती है कि आज तू क्यों नहीं जा रहा, वो बहाना करता है कि मैं मुझे बुखार है। जब रुजीना ऑफिस के लिए निकल जाती है वहाँ से 10,000 अपनी अलमारी से निकालता है और जाके जुए पे वो खेलता है, हार जाता है सारे पैसे और वो ऑफिस से निकाले होते हैं क्योंकि वहीदमुराद का ऑफिस में वो काम करता है, तो वहीं से उसने 10,000 चोरी किए होते हैं। तुम्हें तो काम पर भी जाना है और तुम दफ्तर भूखे जाओगे। डॉक्टर के पास जो खालिद ही चेकअप करवाता अपनी आंखें और डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, किसी वक्त भी ये नज़र जा सकती है, तुम रोशनी से और बाकी इनसे बचा करो और एहतियात किया करो। ये कहता है कि नहीं, मैंने अल्लाह के जो बनाए हुए हसीन चेहरे हैं, खूबसूरत लड़की हैं, मैंने तो उनको देखना है। अफसोस है मिस्टर खालिद कि आपकी आंखें इंतहाई खतरनाक मर्ज का शिकार हो चुकी हैं। सच कहा, एक अंदक बचपन ही से बेहद हुस्न परस्त आते हुए। ताज्जुब है आप इतनी बुरी खबर सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अंधा होने में कितने दिन लगे? कुदरत के निजाम के मुतालिक कोई भी पेशेंगोई नहीं कर सकता। हो सकता है आपका यह मर्ज खुद बखुद इसी स्टेज पर रुक जाए, लेकिन आपको रंगों और रोशनी से सख्त परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं मरने से पहले कफन नहीं पहनना चाहता। मैं हुस्न की रंगीनियों और रोशनी का दिलदादा हूं। जब तक मेरी आंखों में रोशनी की एक किरण भी बाकी है, मैं उसका पूरा पूरा लुत्फ उठाऊंगा। तो इस तरह ये फिर रुजीना को कहता है कि जो अखबार का एडिटर होता है वो कहता है कि तुम ऐसे करो, खालिद का जाके तुमने इंटरव्यू करना है जो वहीदमाद का एक फंक्शन होता है बहुत बड़ा। तो रुजीना पहले तो डरती है, नहीं जाती, वो बदनाम है वो बहुत ज्यादा। अनीता का इंतजार कर रहा है, मैं अखबार के नुमाइंदे की हैसियत से तुम्हें भेजना चाहता हूँ। खालिद से एक बदनाम और आवारा आदमी है। रुजीना इसके पास आती है इंटरव्यू करने के लिए, तो रुजीना तस्वीर उतारती है, ये कहते हैं कि ये इस आपके हुस्न की चमक थी या इस कैमरे की लाइट मुझ पे पड़ी है।
मेरा नाम शमीम है, मैं अखबार आजाद की नुमाइंदा हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। पहले मुझे जरा सोच लेने दीजिए कि मेरी आंखों पर जो बिजली गिरी है आपके कैमरे की है या आपके हुस्न की। यकीन है आपके हुस्न की, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके हुस्न के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आइए। जो उसका भाई होता है वो कहता है कि उसका जो मैनेजर होता है जब युवा हार के आता है वो कहता है तुम ऑफिस में आना, तो वो डर जाता है कि वो अपने गले में फांसी का फंदा डालने लगता है, तो रुजीना पहुंच जाती है, उसके रस्सी काटती है, पूछती है भाई को, पानी शानी पिलाती है, क्या हुआ, कहते मैंने ऑफिस से चोरी किए था पैसा और वो 10,000 में हार गया था जुए में। तुम जानते हो मालिक बहुत सख्त आदमी, लेकिन इतना याद रख पड़े जिन बहनों के सर से भाइयों का साया उठ जाए उनकी जवानी अनजाने गले में नीलाम चली जाती है। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मैं उससे खुद बात करूंगी खालिद से जाके, तो वो कहता नहीं बाजी वो बहुत बदनाम है और आपने उसके पास नहीं जाना, तो ये कहती कि तुम फिक्र ना करो वो कुछ नहीं कहेगा। ये जाती है वजमात साहब के पास, वो इसको कहते कि नहीं हमने खालिद को पकड़ना है, मैनेजर को बुलाता है, कहते कि मैंने क्या कहा था, कहते यही कहा था कि उसकी पहली गलती है माफ़ कर दें। फिर रुजीना देखती कि तो बहुत अच्छे दिल का मालिक है, तो इसने तो मेरे भाई के खिलाफ कोई पुलिस का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। फिर तो रुजीना को इससे थोड़ी सी हमदर्दी होती है। यहाँ आओ जल्दी, कोई 10,000 रुपये छूटता है जैसा। मैनेजर 12:10 को भी पुलिस के हवाले क्यों किया, जाओ फोन करो, हमारे पैसे मुफ्त के जाओ सोच कर। अरे कल तो आपने कुछ और कहा, क्या कहा आपने? कहा था कि परवेज को सिर्फ डराने के लिए धमकी दी गई थी और वो पैसे आपने अपनी जेब से कंपनी को वापस कर दिए थे। हमने ये कहा भाई यादाश्त बड़ी कमजोर होती जा रही है, कल जाओ ठीक है। तो मेरे लिए क्या होगा सर? वही करो जो हमने कल कहा। अरे आप खड़ी क्यों हो गए, बैठिए ना। और नुमाइश होती है जापान में, तो इसको कहते हैं कि एडिटर तुमने जाके कवरेज करनी है वहाँ पे, जापान में पाकिस्तानी चीज़ों की नुमाइश है और तुम जापान चली जाओ, तुम्हें कल टिकट मिल जाएगा। ये जहाज पे बैठती है, वहाँ पे दूसरी सीट पे इसके साथ वाली सीट पे विजमा साहब होते हैं, इसका बैग रखते हैं, वो ये फिर कहती है चोट तो नहीं आई ये वो, तो फिर ये बल्कि एयर होस्टेस को कहती है कि हम मेरी सीट दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती। वजमात भी कहता कि मेरी भी सीट दूसरी जगह, तभी वो कहते नहीं कोई जगह खाली नहीं है, यहीं बैठे रहो तुम दोनों। खाली बैग पानी रखिए, क्या मालूम कब किसी तूफान में फंस जाए। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं अपनी सीट बदलनी चाहती हूँ। जी मैं भी अपनी सीट बदलना चाहता हूँ, हम दोनों भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं, हमें किसी ऐसी जगह बिठा दीजिए जहाँ आस पास कोई ना। आई एम सॉरी, आपको टोक्यो तक इन्हीं सीटों पर बैठना होगा। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, शुक्रिया। वहाँ पे इनका सफ़र होता है, जापान में उतरते हैं। रुजीना टैक्सी वाले को कहती है कि मैंने वहाँ जाना है होटल में, तो वो नहीं समझता, तो फिर वजमा तो इंग्लिश में बताता है उसको, तो वो टैक्सी में बैठ के वजमा कहता मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, मैंने भी वही गाड़ी पकड़ी। आप उसे टैक्सी कर दीजिए। उसके बाद वजमात होटल में पहुँचते हैं, वहाँ मुनव्वर ज़रीफ होता है, इसके दोस्त होता है, वो इसको कहता है इनको कमरा देता है, वो कहता है वहीं पे ये रुजीना पहुँच जाती है। फिर वजमात कहता है कि यार इसको भी ले दो कमरा, लादा से इसको भी कमरा ले देते हैं। फिर ये जापान की शहर है, बहुत अच्छे वहाँ पे गाने हैं, आउटडोर शूटिंग है जापान के, बहुत अच्छे दिखाए हैं। लेकिन रुजीना जो जितनी भी सैर करवाते हो मुनव्वर ज़रीफ से, तो वो सुनती है सारी चीज़ों के नाम, ये यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और जब इजमात आगे आता है इससे दूर भागती है। आपके कमरे का बंदोबस्त हो, मुझे आपका कमरा नहीं चाहिए। माना कि हम आपके लिए अजनबी, लेकिन आप भी पाकिस्तानी और हम भी, और देश में आपके काम आना हमारा फर्ज, बल्कि फर्ज है बने। इन सब बातों की माफी चाहती हूँ, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। यही तो मैं भी चाहता हूँ, क्या आप ना मेरी बातों को भूले ना मुझे भूले। मेरा मतलब है आप एक्सपो देखने आई हैं, एक्सपो रोज रोज तो लगता नहीं, मैं चाहता हूँ ये ट्रिप हम दोनों के लिए यादगार रहे।
बहुत लंबे लंबे। खास बात इसने देखने की है कि तमाम दरख्त बिल्कुल सीधे और इन दरख्तों को काट। मुनव्वर भाई ये क्या है? दरअसल मोहतरमा इन चीजों के नाम बता बता कर मेरी जुबान घिस गई है। अब खालिद साहब बताएंगे। जी मैं खुद ही देख लेती हूँ। ये बात कुछ पत्ती नजर नहीं आ रही। तो वही मैं आपको वो मुनव्वर कहता हूँ, मैंने तो यहाँ पे इतनी जापानियाँ फसाई हुई हैं और तुम एक लड़की को नहीं फसा सकते, ये तो उससे भागती है। ये फिर एक ड्रामा करते हैं कि रुजीना फिर इसकी हमदर्दी करती है, बहलाने के लिए करता है। आखिर आर्टिस्ट लोग मिलने के लिए आते हैं, इस तरह इसका गम कम हो जाता है। तो पीजिएगा। शुक्रिया। पी लीजिए ना प्लीज। आपको गाने भी बहुत अच्छे हैं मुंशी साहब के, और लाखों हंसी हैं मुझे तुम क्यों पसंद हो, बहुत अच्छा गाना है वहाँ पे। और भी गाने हैं वहाँ पे रुजीना साहब, और फिर इसको हमदर्दी होती है इसको, लेकिन अपने भाई का भी ख्याल आता है इसको कि खालिद से तुमने दूर रहना है। बगैर इजाजत के मेरे कमरे में क्यों चले आए? इसलिए कि आपसे इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं थी। बाहर निकल जाइए। आपके कमरे से तो बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन हिम्मत हो तो मुझे अपने ख्यालों से, अपने ख्वाबों से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर दिखाई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कान बंद कर लेने से मेरी आवाज खामोश नहीं होगी। रेशमी जुल्फे रंग से लहरा बार हुआ है हो दिल पर गहरा, दिल को किया प्रेम पिता धन तमन्ना, कभी तो मांगो कभी तो ले लो, जय दिल हमारा हुजूर वाला है ये खिलौना किसी से खेलो। मनोदीप का एक मामा आ जाता है जापान में, उनके साथ भी कमेटी बहुत अच्छी है मनोदीप साहब की। चलो बेटा चलो। मामू जान ये रेस्टोरेंट आपकी मासूम बहन का है? नहीं। तो फिर बिल कौन देगा? बिल? ओ मैं दे देता। अब तो है अहमद, ये बताइए कि अगर मामू आपका पीछा छोड़ दें तो आप हमारा पीछा छोड़ देंगे? पहले मुझे आप ये बताएं, मैं पुलिस लिए आपका पीछा कर रहा हूँ। सुनो आप भी सुनिए। मामू मर गए। अलिफ से अच्छी काप से गुड़िया, जीम से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। जो उसना होती है वो वैद्यनाथ की मंगेतर होती है। जब उसको पता चलता है कि वो तो रिपोर्टर के साथ ही एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, उसना है जो वो उसके भाई के पास आ जाती है, कहते तुम्हारी बहन और खालिद एक ही होटल में ठहरे हुए हैं, कहते फिर मैं अब इतनी दूर बैठ के क्या करता था। उसना जो उसको उसके रुजीना के भाई को अपने जान में फंसाती है कि वो उसे हमदर्दी भी जिताती है, कहते कि मैं भी अपने मंगेतर को बचाना चाहती हूँ, तुम अपनी बहन को बचाओ उससे। वो मुझे हजारों मील दूर है। फासले को खत्म करने का इंतजाम मैं एक हफ्ते में कर दूंगी, मगर आप इस मुहिम में हम दोनों पार्टनर हैं। तुम्हें अपनी बहन की इज्जत बचानी है और मुझे अपना सुहाग। लेकिन वहाँ पे उनको लव हो जाता है एक दूसरे के साथ, रुजीना को और वजवाद को, वो इतने एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि वजवाद हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं कि नहीं, हम कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहते हैं। मेरी महबूब हसीना तेरी चाहत है जीना, पता है जान भी जाए छोड़ू तेरा साथ कभी ना। मेरी महबूब हसीना देखते हैं कि हम कितना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। नाजरीन फिर जिस दिन इनकी मुलाकात का वक्त होता है, टाइम होता है, दिन मुकर्रर होता है, तो रुजीना इसका इंतजार कर रही होती है वजमा साहब का। तो ये मुनव्वर साहब के साथ टैक्सी में जा रहा होता है, उसी तरफ जब टैक्सी से उतरता है तो इसका एक्सीडेंट होता है, इसके वहीं पर आँखें जो नबीना हो जाता है वजमा। कर
दिया तुम उसको तो कह दो। कहता मैं उससे हमदर्दी नहीं उससे उसकी हासिल करना चाहता। वही मर्द जापान से पाकिस्तान आता उसको खत लिख देता है कि तुम जैसे लड़कियों के साथ मैं कहाँ शादी कर सकता हूँ, कहीं देखिए तुम्हारे जैसे ऐसा खत लिखता है ताकि वो नफरत करे। तो ये पहले पाकिस्तान पहुँच जाता है, रोजीना दो चार दिनों के बाद आती है। इंतजार का मजा आ गया होगा, फिलहाल तेरे लिए इतनी सजा बहुत काफी है। रुजीना अपने भाई को मिलती है, रोती है बहुत ज्यादा और वापस आता है, कहते कि मुझे जापानियों से लड़कियों से तुमने दूर कर दिया है खालिद, वो मेरे लिए तड़प रही होंगी। मनोजरी की बहुत अच्छी एक्टिंग है इसमें, और इसने एनके पहनी होती है उसने को नहीं पता होता कि ये नबीना हो गया। तुम तो मेरे मामू से भी ज्यादा जालिम निकले हो, मुझे जापानी गुड़िया से हजारों मील दूर कर दिया। जीना ये जाती है वजमार के पास, ये मारने के लिए उसके छुपा होता है वजमार के घर, और ये उसकी रुजीना की बातें सुन रहा होता है। और वजमार कहता है कि मैं नबीना हो गया था इसलिए मैं तुमसे हमदर्दी हासिल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से तुम्हारे साथ मैंने रब्ता खत्म कर दिया था। मैंने अपने आबरू का जनाज अपने कंधे पर उठाया हुआ है, मेरी मोहब्बत की लाज बेगौर कफन पड़ी है। बहरूपी मैं इस लाश को नकाब से झाड़ कर जाऊंगी जब तूने अपने चेहरे पर सजा रखा है। दिलों को तोड़ने वाली क्या है, मेरी सूरत तो याद है ना, बस यही काफी है, मैं वादा करती हूँ अब भी सूरत कभी। तो हुसना के पास ये जाता है उसको मारने के लिए, हुसना इसको बड़े जान में फंसाती है, मैं तुमसे लव करती हूँ तुम तो बहुत अच्छी हुई है, वो उसके साथ में गुलदान मार देती है। अमीना आओ बैठो ना। परवेज मैं तुम्हें कैसे ये दिलाऊं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में सर रख दूं ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। और दूसरी तरफ क्यों वो तय हो जाती है, वो कहते हैं मुझे तुम हर हालत में भूल हो, वो रुजीना कहती है कि खालिद को मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। वो शादी का दिन मुकर होता है, वो दुल्हन बनी होती है और ये जख्मी होता है। ये भी हुसना जो आती है ये वजमार को कहती है कि उसको पता चलता है कि वो नबीना है, अब इसका साथ में लव नहीं करूँगी। हुसना वो उसको ले कर जाती है सीढ़ियों से ऊपर, वहाँ पे जब वजमार जब रुजीना आती है सीढ़ियों से गिरते हैं तो इनकी नज़र वापस आ जाती है, लेकिन जब हुसना आती है वजमार उसको नहीं बताता कि मेरी नज़र आ जाती है। वो जो इसकी नौकरानी होती है और हुसना इनके हरकतें देख लेती है तो ये इसको लेके जा रही होती है ऊपर, कहते मैं तुम्हें दूल्हा बनाऊंगी। बालकोनी के आगे टूटी होती है, वो कहते कि मेरा कमरा तो इधर है, कहते नहीं इधर से आओ तुम्हें नहीं पता। वहाँ पे वो भागता हुआ आ जाता है इसका भाई, जब होश में आता है रुजीना का तो वहाँ पे वो अपनी बहन को ही फ़ोन कर देता है कि खालिद की ज़िंदगी खतरे में है जल्दी पहुँचो। ये सोच रही थी कि मेरा तोहफा देखकर तुम्हारे दुल्हन के आंसू निकल आएंगे, खुशी के आंसू। उसने कहती कि तुम देख सकते हो, कहता हाँ मैं देख सकता हूँ, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देख ली थी। तो वो बालकोनी से नीचे गिर जाती है, तो और वहाँ पे रुजीना आ जाती है, वो देखती है कि वजमार उसको उठाया तो उसके भाई को कहते इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं लेकिन वो मर जाता है। अच्छी फिल्म ये बनाई थी जमील अख्तर साहब ने। लाला।
निगाहें कारियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी महबूब हसीना, तेरी चाहत है जीना, पता है जान भी जाए छोड़ू तेरा साथ कभी ना। मेरी महबूब हसीना।